हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मैंने नरेशन के दो वीडियो अब तक बना दिए हैं और डाल भी दिया है, अपलोड भी हो चुका है, आपने देख भी लिया है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पार्ट थ्री है और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको बनाने में। सो फ्रेंड्स, आप ज़रा ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं हम सेंटेंसेस के द्वारा। यस, ही सेड टू मी, आर यू इल, आर यू इल, ये क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम बीमार हो, तो यहां पर होगा ही asked me, ही asked me। यहां पर सेड हट जाएगा और asked हो जाएगा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो। ओके फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये ध्यान रखना कि सेड हट के asked में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड के बाद टू मी, टू हिम, टू ही, हर, ऐसा हो तो यहां पर asked हो जाएगा, asked me। फिर यहां पर आर यू इल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, मतलब इंट्रोगेटिव है, ध्यान से आप समझना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इसमें हम दैट नहीं लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, इफ, इफ, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, वेदर भी आप लिख सकते हैं या इफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो समझने वाली बात है। इफ यहाँ पर यू किसके लिए बोला जा रहा है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई के लिए, आई, डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाएगा, यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो आई, आई के साथ वॉज आता है क्योंकि ये इजारे में वाला है, तो मैंने आपको जैसा बताया था पिछली क्लास में कि इजारे में हो तो वॉज और में बदल जाता है, तो वॉज आता है, वॉज इल, आई वॉज इल, इफ आई वॉज इल। ओके फ्रेंड्स, आप यह गलती मत करना कि वॉज आई इल, ऐसा मत करना। ओके फ्रेंड्स, ये जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो इफ लगाने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसका पास्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा उसका वो पास्ट हो जाएगा। सूरज सेड टू मी, सूरज आस्क्ड मी, इफ यहाँ पर डू यू नो राम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या तुम राम को जानते हो। सूरज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम राम को जानते हो, तो डू यू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पर यू है तो यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई यहाँ पर भी हो जाएगा, आई। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस होता है तो किस में बदलता है, पास्ट इनफिनिट में, पास्ट इनफिनिट में क्या होता है, आई न्यू, सॉरी, आई न्यू राम। ओके फ्रेंड्स, इफ आई न्यू राम, आई न्यू क्यू, पास्ट इनफिनिट में ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। ही सेड टू मी, आर यू नॉट रीडिंग, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, आर यू, यहां पर भी यू है तो आई लगेगा, इफ आई, आर है तो यहां पर आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज नॉट रीडिंग, If I was not reading, okay friends, he asked me if I was not reading, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंसेस लिख दिया है। माई फादर सेड टू मी, वेयर वर यू, वेयर वर यू, ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेज है, डब्ल्यू एच वाला जो क्वेश्चन वर्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या नियम है, माई फादर Ask me, यहाँ पर भी हम ask लिखेंगे, ask me, where were you, तो यहाँ पर you I के बदले में, तो यहाँ पर you जो है object in second person, object के हिसाब से, तो where तो पहले हम लिखेंगे ही, यहाँ पर that नहीं लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड में भी that नहीं लगता है, where लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, where I, I के साथ, यहाँ पर were है
तो जब भी वाज वर होता है तो हैड बीन में बदल जाएगा. ओके फ्रेंड्स, वेयर आई हैड बीन. माई फादर आस्क मी वेयर आई हैड बीन. जब भी वाज वर इधर होगा तो हैड बीन में बदल जाएगा. ही सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कम. ही आस्क मी व्हाई यू है तो आई हो जाएगा. व्हाई आई डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा. व्हाई आई हैड नॉट कम. ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है. क्वेश्चन वर्ड में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं. क्वेश्चन वर्ड यानी जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब. ऐसा गलती मत करना कि व्हाई हैड यू या हैड आई नॉट कम, ऐसा नहीं. यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाता है यानी कि असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है. व्हाई आई हैड नॉट कम. कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का भी हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगा. ओके फ्रेंड्स, दे सेड टू मी, दे आस्क मी, दे आस्क मी व्हेन. इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, यानी कि थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, पर्सन में चेंज नहीं होगा. तो व्हेन ही, यहाँ पर क्या है, विल है, तो विल का क्या होता है, वुड हो जाता है. व्हेन ही वुड गो टू मुंबई. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्या से शुरू होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले आता है उसमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें भी ऐसे ही बनाना है यानी कि असर्टिव में ही बदल देना है उसको, बट उसमें इफ लगाना है. इफ लगाने के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड को लिखना है पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब. ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए. ओके फ्रेंड्स, ही सेड टू मी आर यू रेडी. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी. सीता सेड टू मी डू यू नो राम. इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सीता आस्क्ड मी इफ आई न्यू राम. ही सेड टू मी आर यू नॉट रीडिंग. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट रीडिंग. मोहन सेड टू सोहन डिड यू नॉट गो देयर. मोहन आस्क सोहन इफ ही हैड नॉट गोन देयर. राम सेड टू मी हु आर यू. राम आस्क्ड मी हु आई वॉज. ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव. हम यहाँ पर डायरेक्ट में भी आस्क हम लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी आस्क लिख सकते हैं. ही आस्क मी वेयर डू यू लिव, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा. ही आस्क मी वेयर आई लिव्ड. ही आस्क मी व्हाट इज योर नेम. ही आस्क मी व्हाट माई नेम वॉज. राम सेड टू मी व्हाई आर यू सेड. राम आस्क मी व्हाई आई वॉज सेड. ही सेड टू मी व्हेन विल यू गो. ही आस्क मी व्हेन आई वुड गो. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एग्जांपल्स के द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, चेंज करते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर भी किया कीजिए. और फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए. और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहे. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश
प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।